हेलो हाँ हे लाइव हुआ बोले लाइव कीजिए और ए क्वेश्चन बैंक और एगो प्रैक्टिस मेंस वाला लेते आइए तो जल्दी लाइव कर दिए क्लास क्लास लाइव है ठीक है लाइव है ना जी एकदम पक्का कन्फर्म है एक बार आप लोग देखिए तो लाइव आ चुके हैं हम हां लाइव आ चुके हैं हम चलिए तो लाइव आ चुके हैं सभी का स्वागत है देखिए आप सब लोग जानते हैं संस्थान में डेली टेस्ट मंडे टू फ्राइडे चलता है आज डेली टेस्ट है और उसमें जो है आपको सोमवार को हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी के पचास क्वेश्चन पचास क्वेश्चन लेकर के हम आते हैं आपके लिए लेकिन आज जो है और दिन के तरह नहीं है कल से जो है कल आप सब लोग जानते हैं इस बात से आप अवगत हैं कल 25 फरवरी था और बिहार एसआई एस आई मेंस का परीक्षा हुआ और कल से लेकर आज तक सिर्फ 100 क्वेश्चन लिखने में बिता दिए हैं हॉस्टल के लड़का से बात करके और जो भी जान पहचान में संस्थान में पढ़ने वाला लड़का था सबसे बात करके जो है 100 क्वेश्चन लिखे हैं और चार ऑप्शन के साथ लिखे हैं कहीं पर भी आपको इस फॉर्मेट में क्वेश्चन नहीं मिलेगा जिस फॉर्मेट में हम लेकर के आए हैं आप पूरे यूट्यूब को सर्च मारिए एक तो पहली बात पूरा सौ क्वेश्चन नहीं मिलेगा और दूसरी बात ऑप्शन के साथ नहीं मिलेगा तो पूरा का पूरा सौ क्वेश्चन है और ऑप्शन के साथ है चार ऑप्शन के साथ है और सही आंसर के साथ है तो हमने यह सोचा क्वेश्चन बनाने का तो हमें फुर्सत ही नहीं मिला तो हमने यह सोचा कि हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी का टोटल तैंतालीस क्वेश्चन पूछा है कल के परीक्षा में फोर्टी थ्री हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी के टोटल फोर्टी थ्री क्वेश्चन पूछे हैं तो हमने सोचा इसी क्वेश्चन का डिस्कशन जो है आज के सेशन में हम आपको डेली टेस्ट के अंतर्गत जो है आपको करवा देंगे और आप सब लोग शनिवार को अगर टेस्ट दिए होंगे तो एक क्वेश्चन था हाँ वो हाँ हाँ, एक क्वेश्चन एकदम था एक टेस्ट से एक क्वेश्चन आ गया तीन क्वेश्चन था उससे पहले भी टेस्ट से था यानी पिछले सप्ताह जो टेस्ट हुआ उसके आसपास से बहुत सारे प्रश्न थे चलिए ठीक है ठीक है चलिए तो कुल मिलाकर के डेली टेस्ट के अंतर्गत जो है आज हम आपको डेली त... बोलास का बोले हैं जी मेन्स का बुक बोले मेन्स का जो प्रैक्टिस कुल मिलाकर के जो है हम आपको डेली टेस्ट में आज 25 फरवरी यानी बीते कल हुए मेंस के परीक्षा के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सब लोग इस बात से अवगत हैं कि हमको तो हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी ही आता उसके बाद तो कुछ आता है नहीं तो हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी हम डिस्कस कर देंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इकोनॉमिक्स या अन्य सेगमेंट जो भी है उसका जो है हम आपको आंसर बतला देंगे मैथ रीजनिंग सब भी जो है हम आपको आंसर बतला देंगे और देखिए आपको कुछ बात हम बताना चाहते हैं मेरा अपना मानना है हम जिस सिद्धांत पे काम करते हैं हमारा अपना सिद्धांत है तो हमारा सिद्धांत ये है हम ये सोचते हैं इंसान को अपने काम में परफेक्ट बनना चाहिए सबसे पहले इंसान को अपने काम में सबसे पहले परफेक्ट बनना चाहिए गुड है तो बेटर बनना है बेटर है तो बेस्ट बनना है और जहाँ तक व्यू का सवाल है पैसा का सवाल है ये सब सेकेंडरी चीज है और आज के डेट में क्या है जानते हैं लोग थोड़ा सा ज्यादा व्यू के लिए बिना सौ क्वेश्चन देखे बिना विद्यार्थी से बात किए कटअप जारी कर देते हैं हमारे ख्याल से ये अपराध है और बहुत बड़ा अपराध है ये अपने आप में समझ गए जैसा कि आपको स्वामी विवेकानंद जी बोले हैं इस देश का कोई भी एक इंसान अगर भूखा रह रहा है अगर उसे शिक्षा नहीं मिल रहा है अगर वो गरीब है तो इस देश का प्रत्येक नागरिक देशद्रोही है दूसरा जब महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को चोरी चोरा कांड के कारण स्थगित कर दिए थे तो सुभाष चंद्र बोस ने बोला जब जनता का उत्साह चरम पर हो उस समय आंदोलन को स्थगित करना राष्ट्रीय अनर्थ से कम नहीं है तो बिना सौ क्वेश्चन देखे कटअप जारी कर देना ये भी छात्र अनर्थ से कम नहीं है हमारे दृष्टिकोण से बाद बाकी आप क्या सोचते हैं आप जानिए हमको जो सही लगता हमको जो अच्छा लगता हम वो बोलते हैं हम वो करते हैं हमको नहीं चाहिए व्यू हम हमारे पास जितना है उतना ही हम सफिशियंट है और क्वेश्चन डिस्कशन से पहले एक बात हम आपको बताना चाहते हैं कि देखिए स्पेशली बिहार एस एग्जाम में हमारा कोई अनुमान कभी गलत हो ही नहीं सकता है आपको जो हमारे यहां मेंस पढ़ रहे थे मेंस में लास्ट में ज्योग्राफी डाटा वाला सब्जेक्ट है लास्ट में ज्योग्राफी पढ़ाए थे तो ज्योग्राफी में बोले थे सैटरडे संडे फ्राइडे और सैटरडे को कुछ पीडीएफ दिए थे और बोले थे ज्योग्राफी यहाँ से आ जाएगा और सारा का सारा जो है लगभग ज्योग्राफी आ ही गया वहाँ से और उसके बाद आप देख सकते हैं सब चीज ओपन है टेलीग्राम चैनल पर वो पीडीएफ है और क्वेश्चन भी हम आपको अवेलेबल करवाइए दिए हैं जा के पीडीएफ खोलिए और क्वेश्चन देखिए आपको मिल जाएगा ज्योग्राफी का सारा डाटा मात्र उस दस बारह पेज के पीडीएफ से इसके बाद देखिए कल जो परीक्षा हुआ है उसका एनालिसिस करेंगे अच्छे ढंग से लेकिन उससे पहले हम आपको एक बात बताते चले कि और जो है संस्थान ने जो तैयारी करवाया उससे क्या आया है नहीं आया है वो हम खोजबीन कर रहे हैं अभी तक तो सौ क्वेश्चन ही लिख पाए हैं ऑप्शन के साथ वो भी खोजबीन कर रहे हैं कल टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे संस्थान के कौन बुक से कौन मटेरियल से कहां से कौन क्वेश्चन आया है नहीं आया है कितना आया है आप अपना देख लीजिएगा टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे इसके बाद कल जो परीक्षा हुआ है सामान्य तौर पर मेंस परीक्षा में करंट के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं लेकिन मेंस के लिए बारह मेंस के लिए हम ये प्रैक्टिस सेट निकाले हुए थे मार्केट में है ये आप जा करके देख लीजिए चार से पांच हर सेट में हम करंट दिए हुए थे और कल के परीक्षा में आपको पांच से छह करंट जो है आपको आया है एक तो ये हो गया मार्केट में बुक है क्वेश्चन आपके पास में है और जिसके पास नहीं है डिस्कशन के बाद टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे जो यूट्यूब पे देख रहे हैं आप मिला लीजिएगा अपना इसमें चार से पांच करेंट दिए थे और परीक्षा में भी चार से पांच करेंट पूछा है दूसरी बात हम आपको ये बताना चाहते हैं प्रीलिम्स में बारह सौ में हम अपने दो प्रैक्टिस सेट निकाले थे दोनों में दो हिंदी दो इंग्लिश दिए थे और बारह प्रीलिम्स परीक्षा का 17 फरवरी को जब परीक्षा हुआ तो उसमें दो हिंदी दो इंग्लिश का क्वेश्चन था तो मतलब हमारा जो प्रैक्टिस सेट आता है ना कुल मिलाकर के हम आपको ये बतलाना चाहते हैं यहाँ से यह संदेश देना चाहते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न ही रहता है और हम आपको बताते चले यहाँ पर अगर आप दरोगा की तैयारी करते हैं एक हमारा क्वेश्चन बैंक है और जो भी वैकेंसी आएगा उसके लिए प्रिलिम्स मेन्स दोनों में हम प्रैक्टिस सेट निकालते हैं हमारा क्वेश्चन बैंक और हमारा प्रैक्टिस सेट कर लीजिए दरोगा में रिजल्ट दुनिया का कोई ताकत नहीं रोकेगा अब आइए हम लोग कल बारह मेंस में हुए कल जो बारह मेंस का परीक्षा हुआ है उसका थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं थोड़ा सा हम लोग जानते हैं किस सेगमेंट से कितने प्रश्न पूछे गए थे कुछ लोग बोल रहा था मैथ नहीं आया कुछ बोल रहा था रीजनिंग नहीं रीजनिंग बहुत आया क्या था नहीं था सारा कुछ हम आपको यहाँ पर बताते चलते हैं तो सब चीज हम प्रिपरेशन करके आए हैं समझ गए सब कुछ के साथ आए हैं ऐसा नहीं कि सीधे साढ़े चार बजे परीक्षा खत्म हुआ और साढ़े चार ये बजे यूट्यूब पे लाइव आ करके हो 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 चलिए तो एकदम पूरी तैयारी के साथ आना चाहिए और देखिए टीचर का मतलब क्या होता है जानते हैं टीचर का मतलब होता है सही रास्ता दिखाने वाला लेकिन आज है क्या पापी पेट है परिवार है बच्चा है बीबी है दो कट्ठा जमीन पटना में खरीदा है तो चार कट्ठा उसको खरीदना है समझ गए तो ये सब चीज है बहुत सारा चीज है तो लोग अपना अपना तरीका से करता है हमको तो ना धन धनस धन संपत्ति चाहिए ना बीबी है ना बच्चा है समझ गए कुछ नहीं है समझे और हम आपको यहां पर बताते चले कि अभी क्वेश्चन एनालिसिस करवा रहे हैं जो भी मेंस के परीक्षा देने वाले लोग हैं एकदम हंड्रेड परसेंट आंसर सही है एक भी आंसर गलत नहीं है ठीक है इसके बाद आपको जो है 100 परसेंट आंसर सही है और इसके बाद जो है हम आपसे एक ये मांगेंगे हम आपसे ये मांगेंगे मतलब जो है एक हम आपको व्हाट्सएप नंबर देंगे वहां पर जो है आप भेजिएगा आपका कितना निगेटिव काट करके सही है उस आधार पर जो है कल कटअप तैयार करके कल शाम तक हम रिलीज कर देंगे और कल शाम तक हमारा कटअप आ जाएगा और इसके बाद जो है आपको बुधवार से संस्थान के दिशा निर्देशन में हमारे दिशा निर्देशन में फिजिकल की तैयारी संस्थान में पढ़ने वाले छात्रों को करवाया जाएगा तो फिजिकल को लेकर के सूचना संस्थान के टेलीग्राम चैनल पर आज से कल तक में आ जाएगा तो हमारे दिशा निर्देशन में जो भी करना चाहते हैं तो आपको जो भी टेलीग्राम पर दिशा निर्देश दिया जाएगा उस दिशा निर्देश का आप पालन कीजिएगा और फिजिकल में भी एक्यूरेसी 100 परसेंट रखवाने का प्रयास करेंगे ठीक है और तो आइए आप थोड़ा एनालिसिस करते हैं देखिए कितना सब्जेक्ट से प्रश्न पूछा है एक दरोगा बनने के लिए कितना चीज आपको पढ़ना पड़ता है हिस्ट्री 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 की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री में इंडियन हिस्ट्री है और एक वर्ल्ड हिस्ट्री है इंडियन हिस्ट्री में ती, तीन तीन सेगमेंट है एंसियंट मेडाइवल और मॉडर्न अगर हम एंसियंट की बात करें तो एंशियंट से प्रश्न पूछे गए हैं मेडेबल से दो प्रश्न पूछे गए हैं और मॉडर्न से प्रश्न पूछे गए हैं वही वर्ल्ड हिस्ट्री से एक प्रश्न पूछे गए हैं वही सोशल कॉन्ट्रैक्ट वर्ल्ड हिस्ट्री का ही टॉपिक है पुस्तक लेखक में आता है तो हिस्ट्री ये हो गया फिर ज्योग्राफी ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो सिलेबस में भी स्पष्ट तौर पर है सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी और सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी से ही पूछा है और इंडियन ज्योग्राफी से जो है आपको तेरह प्रश्न आए हैं फिर पॉलिटी पॉलिटी की अगर हम बात करें तो यहां से भी तेरह प्रश्न आए हैं और फिर इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स से दो प्रश्न आए हैं फिर आपको करेंट करेंट अफेयर की अगर हम बात करें तो यहां से छह प्रश्न आए हैं और फिर आपको बिहार बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार से जो है आपको तीन प्रश्न आए हैं और फिर आपको फिजिक्स फिजिक्स की अगर हम बात करें तो फिजिक्स से जो है आपको नंबर ऑफ प्रश्न है पाँच फिर आपको केमिस्ट्री केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री से नंबर ऑफ क्वेश्चन है पांच और फिर आपको बायोलॉजी बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो बायोलॉजी से भी जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वह है आपको पांच और फिर सोशियोलॉजी सोशियोलॉजी की अगर हम बात करें तो यहां से जो है आपको प्रश्न है दो और फिर मैथ मैथ की अगर हम बात करें तो मैथ से प्रश्न है पाँच और फिर रीजनिंग रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग से प्रश्न है बीस और फिर मिसलेनियस मिसलेनियस की अगर हम बात करें तो यहाँ से प्रश्न है टोटल अगर आप जोड़ेंगे तो छ आठ छ चौदह एक पंद्रह पंद्रह दस पच्चीस तीन अट्ठाइस 28 दस अड़तीस तीन इकतालीस इकतालीस दो तैतालीस छ चास तीन बावन पांच संतावन पांच संतावन पांच बासठ पांच सड़सठ दो, उनहत्तर पांच उनहत्तर पांच चौहत्तर बीस चौरानवे सौ, यहां से प्रश्न थे समझ गए इसी सेगमेंट से प्रश्न थे तो ये हो गया ये तो क्वेश्चन के विषय में हम आपको बता दिए कि यहां यहां से जो है आपको प्रश्न आए थे अब आइए इन प्रश्नों के आंसर को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं और आंसर जब बता देंगे तो एक नंबर देंगे उस पर आप अपना कमेंट कीजिएगा कितना मार्क आपको आ रहा है जो मेंस वाले लोग हैं ईमानदारी से कमेंट कीजिएगा ताकि सही कटअप जो है जारी किया जा सके समझ गए और पिछले बार क्या हुआ था जानते हैं पिछले बार जो आप लोग डाटा दिए उस डाटा के आधार पर जो कटअप तैयार किए थे हॉस्टल के लड़का के साथ मिलकर आप पूछ लीजिएगा एकदम पैंसठ ही आया था लेकिन हॉस्टलिया सब हमको भड़का दिया कुछ हमारे इर्द गिर्द के लोग हमको भड़का दिए बोला ना दो जो है बढ़ा दीजिए तो बढ़ाने के चक्कर में जो है ना थोड़ा इधर हो गया लेकिन जो कटअप रहा है उसके आसपास तो हम थे ही समझ गए एक दो आगे पीछे था लेकिन मेंस में जो डाटा आएगा उसके आधार पर ही जो है हम आपको कटअप तैयार करेंगे ताकि जो है एडजेक्ट कटअप जो है आपको मिल सके ठीक है तो अब आइए और जो है आते हैं देखते हैं अब क्वेश्चन को पहला प्रश्न पहला प्रश्न की अगर हम लोग बात करें तो अमनगढ़ बाग रिजर्व किस राज्य में स्थित है देखिए अमनगढ़ बाघ रिजर्व की अगर हम लोग बात करें तो भारत में 50 से अधिक बाघ रिजर्व हैं भारत में 50 से अधिक जो बाघ रिजर्व हैं उसमें जो अमनगढ़ बाघ रिजर्व है यह है आपको उत्तर प्रदेश में यह है आपको उत्तर प्रदेश में सेटरडे जो सेटरडे को जो डाटा भेजे थे ज्योग्राफी का उसमें है ये समझ गए सामान्य तौर पर इस चीज़ से विद्यार्थी जो है आपको है वो डाटा हम दिए हुए हैं समझ गए लेकिन इस चीज को विद्यार्थी याद नहीं रखता है जो यहां पर बेहतर किया होगा उसके मेरिट के चांसेज होंगे देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसा है जहां पर जो बेहतर करके आया होगा उसी का मेरिट बनेगा अभी क्या है जानते हैं पच्चीस हजार के आसपास विद्यार्थी एग्जाम दिया है बीस हजार विद्यार्थी को लग रहा है कि उसका रिजल्ट होगा लेकिन रिजल्ट की अगर आप बात करेंगे तो बारह सौ पचहत्तर गुना छो कीजिएगा तो बारह सौ पचहत्तर गुना छो कीजिएगा तो कितना आता है छ पंचायत तीस तीन शिक्षा के बयालीस तीन पैतालीस चार बारह चार सोलह एक छो, एक सात छिहत्तर सौ पचास लोगों का ही रिजल्ट आएगा अभी बीस हजार विद्यार्थी को लग रहा है उसका रिजल्ट आएगा लेकिन रिजल्ट सिर्फ इतना का आएगा इससे एक ज्यादा नहीं हो सकता इससे एक कम हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं हो सकता समझ गए तो चलिए अब आइए <laughs> और जहाँ तक एक सवाल आपके मन में रहता है कि कैसा था पेपर तो देखिए पेपर जहाँ तक हम देखे हैं तो हम इसको इजी टू मॉडरेट वे में लेकर के चलते हैं इजी टू मॉडरेट इजी टू मॉडरेट था एकदम 100 परसेंट इजी नहीं था इजी टू मॉडरेट था ऐसा हमारे ख्याल से और देखिए परीक्षा का जो प्रेशर होता है ना उस प्रेशर में बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो अपना चाहते हुए भी गलती करके आ जाते हैं तो परीक्षा का एक अलग ही प्रेशर होता है समझ गए चरक किस बन से संबंधित थे चरक की अगर हम बात करें तो चरक कुसान बन से संबंधित थे देखिए ध्यान दीजिएगा कुसान कुसान वंश के संस्थापक आप सब लोग जानते हैं कुजुल फिशस कुजुल कटफिस के बाद भीमकट फिसस बना जिसे जिसे कि कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और भीम कट के बाद बने कनिष्क कनिष्क अठहत्तर ईस्वी में गद्दी पर बैठे और कनिष्क के दरबार में कई सारे विद्वान रहते थे और कनिष्क के दरबार में वसुमित्र हो गए अश्वघोष हो गए चरक जैसे विद्वान की अगर हम लोग बात करें तो ये सभी के सभी विद्वान जो है कनिष्क के दरबार की शोभा बढ़ाया करते थे कनिष्क के दरबार की शोभा बढ़ाया करते थे और कनिष्क कुसान बन से संबंधित था अर्थात हम कह सकते हैं कि चरक का संबंध है आपको कुषाण बन से नेक्स्ट देखिए ये करेंट था अयोध्या दीपोत्सव 2023 में कितने लाख दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया 22 लाख प्लस 22 लाख प्लस 22 लाख प्लस 22 लाख समथिंग दीप बना करके जो है आपको मनाया गया था आगे बिहार मानवाधिकार आयोग कब गठित हुआ देखिए ध्यान दीजिएगा आप सब लोग जानते हैं राष्ट्रीय स्तर पर मानव के मानवाधिकारों की रक्षा को लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर जो है मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ है वर्ष उन्नीस में वर्ष उन्नीस में और फिर प्रत्येक राज्य के द्वारा अपने राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया उसी क्रम में अगर हम लोग बिहार की बात करें तो बिहार में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन वर्ष दो ईस्वी में हुआ है वर्ष दो ईस्वी में हुआ है संभवतः एक मार्च संभवतः जो है, वर्ञार है? वर्ञार है? वर्ञार जो है एक दो हजार या ऐसे कुछ है दो हजार ईस्वी में हुआ है आंसर हो जाएगा बी नेक्स्ट बी आर अंबेडकर ने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना कब किया है बी आर अंबेडकर स्वयं जा, दलित जाति से आते थे उन्होंने दलितों के उत्थान को लेकर दलितों को जागरूक करने को लेकर डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना वर्ष उन्नीस सौ तीस ईस्वी में किए वर्ष उन्नीस सौ तीस ईस्वी में किए और उन्नीस सौ तीस ईस्वी में ही भारत की राष्ट्रीय राजनीति में ये प्रवेश भी किए थे भारत की राष्ट्रीय राजनीति में उन्नीस सौ तीस ईस्वी में ये प्रवेश भी किए थे और फिर उन्नीस सौ तीस ईस्वी में ही डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की इन्होंने स्थापना किया और साथ ही साथ आपको उन्नीस सौ तीस इकतीस बत्तीस तीनों प्रत्येक साल जो है गोलमेज सम्मेलन होते रहे और तीनों गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लेने का काम किया और दलितों को उनका हक और अधिकार दिलवाने का काम जो है आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो है आपको किया गया है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का देश के निर्माण में देश के संविधान निर्माण में देश के भी निर्माण में और देश के संविधान निर्माण में दोनों में योगदान रहा है समझ गए अगर अंबेडकर साहब नहीं रहते तो आप मान करके चलिए दलितों को संवैधानिक तौर पर जो अधिकार दिया है वो अधिकार दलितों को नहीं मिलता दलितों को जो आज आरक्षण मिला है वो आरक्षण जो है आपको नहीं मिलता और महात्मा गांधी कुछ राजनेता से डरते थे उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से वो डरते थे सुभाष चंद्र बोस से डरते थे भगत सिंह से डरते थे ये चंद गिने चुने लोग हैं जिनसे डॉक्टर जिनसे महात्मा गांधी भी जो है आपको डरते थे और महात्मा गांधी भी इन लोगों के सामने झुकते थे समझ गए तो आंसर हो जाएगा 1930 नेक्स्ट उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जाता है देखिए उपराष्ट्रपति की अगर हम लोग बात करें तो आप सब लोग इस बात से अवगत हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद चौसठ को पढ़िए भारतीय संविधान के अनुच्छेद चौसठ को अगर आप पढ़ेंगे तो अनुच्छेद चौसठ यह कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है तो जो उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और यही कारण है कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया की शुरुआत करता है राज्यसभा राज्यसभा करता है और राज्यसभा एक संकल्प पारित करता है और उस संकल्प से लोकसभा को सहमत होना होता है और अगर राज्यसभा संकल्प पारित कर दिया और उससे अगर लोकसभा सहमत हो गया है तो उपराष्ट्रपति को अपने पद से जो है आपको हटना होता है आज तक किसी भी उपराष्ट्रपति को इस प्रक्रिया द्वारा पद से नहीं हटाया गया है ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा राज्यसभा के संकल्प के द्वारा उत्कल दिवस किस राज्य द्वारा मनाया जाता है देखिए ध्यान दीजिएगा जैसे गुजरात का जो समुद्री तट है उसको काठियावाड़ तट कहते हैं महाराष्ट्र गोवा का जो तट है कोंकण तट कहते हैं केरल का जो तट है मालावाड़ तट कहते हैं तमिलनाडु आंध्र प्रदेश का जो तट है उसको हम लोग कहते हैं कोरोमंडल तट केरल के तट को मालावाड़ तट कहते हैं केरल के तट को मालावाड़ तट तमिलनाडु प्रदेश के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं उसी प्रकार से ओडिशा के तट को हम लोग उत्कल तट कहते हैं तो जो उत्कल दिवस है उत्कल दिवस की अगर हम लोग बात करें तो यह ओडिशा राज्य के द्वारा मनाया जाता है देखिए आप सब लोग इस बात से अवगत हैं कि पहले क्या था जानते हैं बिहार ओडिशा झारखंड यह तमाम ऐसे राज्य थे जो बंगाल प्रांत में आया करते थे जो बंगाल प्रांत में आया करते थे देखिए ध्यान दीजिएगा बंगाल तो बंगाल प्रांत में था ही बंगाल बिहार ओडिशा झारखंड ये तमाम राज्य बंगाल प्रांत में आया करते थे बंगाल का विभाजन तृतीय दिल्ली दरबार के तहत हुआ और बंगाल का विभाजन होकर के 22 मार्च 1912 को बिहार बना और बिहार का विभाजन जब हुआ तो बिहार का विभाजन होकर के एक अप्रैल 1936 ईस्वी को एक अप्रैल 1936 ईस्वी को ओडिसा बना तो ओडिशा जो एक अप्रैल को बना है एक अप्रैल को ही ओडिशा के भीतर उत्कल दिवस मनाया जाता है जैसे हम बिहारवासी बिहार वासी बाईस मार्च को बिहार दिवस के तौर पर मनाते हैं वैसे ही ओडिशावासी एक अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में जो है आपको मनाने का काम करता है तो जो उत्कल दिवस है यह मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष एक अप्रैल को और यह मनाया जाता है ओडिशा राज्य के द्वारा ओडिशा राज्य के द्वारा नेक्स्ट दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आद्र भूमि दिवस विश्व दिवस की अगर हम लोग बात बिहार ऐसा परीक्षा में पूछा है हमारे ख्याल से समझ गए और फिर से रिपीट किया है। कुछ प्रश्न ऐसे है जो पहले पूछे गए हैं और रिपीट हुआ है सबसे बड़ा अशोक चक्र कहा स्थापित किया गया है देखिए सबसे बड़ा जो अशोक चक्र है यह टोपरा कला उत्तर प्रदेश के यमुना नगर के टोपरा कला में जो है आपको स्थापित किया गया है आंसर हो जाएगा बी सही आंसर है इसमें कुछ लोगों को सारनाथ लग रहा होगा लेकिन जो है टोपरा कला सही है हाल फिलहाल में 2018 में स्थापित हुआ है पहले था जब ये स्थापित नहीं हुआ था तो उससे पहले सारनाथ हुआ करता था लेकिन वर्तमान की अगर हम लोग बात करें तो वर्तमान में आपको टोपरा कला होगा ताश के पत्तों में से लाल पत्ती की रानी के नहीं रहने की संभावना इस क्वेश्चन में बहुत सारा विद्यार्थी गलती किया है नहीं शब्द को नहीं पढ़ा है समझ गए तो जो होना चाहिए वो, वो मार के नहीं आया है बल्कि वो गलती मार के आया है और इस प्रश्न के उत्तर की हम बात करें तो इस प्रश्न का उत्तर है छो, बी। बी होगा इसका उत्तर बी बी नेक्स्ट ज्वार नदमुख कौन सी नदी बनाती है देखिए दो नदी है मूल तौर पर ऐसे तो कई सारी नदियां हैं लेकिन भारत में जो परीक्षा में प्रश्न पूछते हैं उस आधार पर ज्वार नदमुख दो नदी बनाती है नर्मदा और ताप्ती नर्मदा और ताप्ती डेल्टा नहीं बनाती है बल्कि ज्वार नदमुख बनाती है अर्थात ईश्वरीय बनाती है और यह प्रश्न भी आपके बिहार एसआई परीक्षा में पहले भी पूछा गया है रिपीट किया है हम आपको कम से कम दस के आसपास क्वेश्चन बता सकते हैं जो रिपीट किया है यही वजह है कि क्वेश्चन बैंक तो आपको एकदम पढ़ना ही पढ़ना चाहिए निश्चित तौर पर पढ़ना पर चाहिए तो ज्वार नदमुख कौन सी नदी बनाती है ताप्ती नदी बनाती है वही गोदावरी महानदी और काबेरी की बात करें तो ये सभी नदी डेल्टा बनाती है डेल्टा बनाती है गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश के तट पर डेल्टा बनाती है जिसे गोदावरी नदी डेल्टा महानदी ओडिशा के तट पर डेल्टा बनाती है जिसे महानदी डेल्टा और काबेरी नदी तमिलनाडु के तट पर डेल्टा बनाती है जिसे काबेरी नदी डेल्टा कहते हैं काबेरी नदी डेल्टा कहते हैं तो ज्वार नदमुख बनाती है आपको ताप्ती नेक्स्ट इब्न बतूता किस सदी में भारत आया था इब्न बतूता आया था चौदहवीं सदी में और इस प्रश्न में भी कुछ विद्यार्थी गलती करके आया है तेरहवीं मारा है तेरहवीं इसलिए वो मारा है क्योंकि तेरह सो तैतीस में आया था जबकि आप देखे होंगे चाहे हम बैच पर बैच में पढ़ा रहे हो या फिर टेस्ट में डिस्कशन कर रहे हो जब हम बोलते हैं चौदहवीं सदी तो हम बोलते हैं तेरह सौ से लेकर चौदह सो हम बोलते हैं इस बात का जिक्र हम हमेशा करते रहते हैं लेकिन फिर भी विद्यार्थी जो है कुछ गलती करके आया है और इस प्रकार के प्रश्न में तो एकदम गलती नहीं करना चाहिए जो बात हम पढ़े हैं जो बात हम जानते हैं उसमें हम गलती करके आ गए तो बड़ी दिक्कत है बहुत दुर्भाग्य की बात है समझ गए तो चौदहवीं सदी होगा इब्न बतूता अफ्रीका के मोरक्को का रहने वाला था आप सब लोग जानते हैं 1333 ईस्वी में भारत की यात्रा पर आया था उस समय भारत में तुगलक का शासक था और तुगलक के शासक हुआ, तो हुआ करते थे आपको मोहम्मद बिन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक और इब्न बतूता जो है आपको कुरान और हदीस के बहुत बड़े ज्ञाता थे जिस वजह से इन्हें दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा और इन्होंने लंबे समय तक भारत में अपना वक्त गुजारा और इन्होंने जो अपना यात्रा वृत्तांत लिखा है उसे किताब उल रेहला के नाम से जाना जाता किताब उल रेहला के नाम से जो है आपको जाना जाता है आंसर हो जाएगा बी विद्युत शक्ति की इकाई है विद्युत शक्ति की इकाई क्या है वाट वाट है वाट नेक्स्ट सभी अम्ल में पाए जाने वाले तत्व है सभी अम्ल में पाए जाने वाले तत्व है हाइड्रोजन हाइड्रोजन नेक्स्ट प्रकाशिक तंतु किस नियम पर कार्य करते हैं प्रकाशिक तंतु तंतु प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करते हैं नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन है एक ठोस गेंद का व्यास 4.2 इसका आंसर जो है आपको हो जाएगा डी 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 इसका सही उत्तर होगा नेक्स्ट कौन संयोजी उत्तक नहीं है कौन संयोजी उत्तक नहीं है हार्मोन हार्मोन नेक्स्ट उड़ीसा की बदाम पहाड़ी से कौन सा अयस्क निकाला जाता है ई भी दिए हुए हैं समझ गए लोह अयस्क का जो है, है आपको हेमेटाइट तो ओडिशा का बदाम पहाड़ी जो है लोह अयस्क के अंतर्गत हेमेटाइट के लिए प्रसिद्ध है आंसर हो जाएगा आपको बी बी देखिए इस प्रश्न में जो है ना विद्यार्थी थोड़ा फंस सकता है जो ऊपर ऊपर से पढ़ता है वो थोड़ा फंस सकता है ऐसे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन इसको जो है करके चल सकते हैं। कुछ इसके बाद आगे है। सुंग के बाद, किस वंश ने शासन किया था सुंग वंश की अगर हम लोग बात करेंगे तो सुंग वंश के बाद कन वंश के शासकों ने शासन किया था देखिए आपको जो है आप सब लोग जानते हैं मगध के भीतर शासन करने वाला प्रथम ऐतिहासिक राजवंश हरियक वंश हरियक वंश के बाद शिशुनाग वंश फिर नंद वंश फिर मौर्य मौर्य के बाद सुंग, सुंग के बाद, बाद सातवाहन तो सुंग वंश के बाद शासन किया था डीआरडीओ <laughs> द्वारा विकसित अस्त्र कैसी मिसाइल है डीआरडीओ द्वारा विकसित अस्त्र जो है आपको वायु से वायु में मार करने वाली मिसाइल है 1916 में कांग्रेस अधिवेशन कहां आयोजित हुआ था काफी आसान प्रश्न है आप सब लोग इस बात से अवगत होंगे वर्ष 1916 में कांग्रेस का वार्षिक का अधिवेशन हुआ था आपको लखनऊ में लखनऊ में हुआ था और 1916 में जो कांग्रेस का वार्षिक का अधिवेशन लखनऊ में आयोजित हुआ था इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था अंबिका चरण मजुमदार अंबिका चरण मजूमदार ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की और इस अधिवेशन का काफी ऐतिहासिक महत्व है पहला तो यह है कि इस अधिवेशन में गांधी जी की मुलाकात राजकुमार शुक्ल से हुई और गांधी जी राजकुमार शुक्ल के कहने पर ही चंपारण आए और चंपारण सत्याग्रह का आयोजन किए दूसरा महत्व यह है कि कांग्रेस में जो विभाजन हुआ था 1907 में कांग्रेस जो दो धारा गरम दल नरम दल में बट गया था वो कांग्रेस फिर से एक इसी अधिवेशन में हुआ दूसरा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच उन्नीस के भारत शासन अधिनियम को लेकर जो खटपट हो गया था फिर से कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक लखनऊ अधिवेशन 1916 में लखनऊ समझौता के तहत हुआ तो ये सब कारण है जिस वजह से 1916 का लखनऊ अधिवेशन जो है आपको काफी महत्व का अधिवेशन है तो आंसर हो जाएगा बी और एक बात और है वर्ष उन्नीस सौ सोलह की अगर हम लोग बात करें तो वर्ष उन्नीस सौ सोलह ईस्वी में मुस्लिम लीग का भी वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में ही हुआ था मुस्लिम लीग का भी वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में हुआ था नेक्स्ट आगे है कांग्रेस का पहला विभाजन किस वर्ष हुआ कांग्रेस में पहली बार फूट पड़ी थी वर्ष उन्नीस सौ सात में और कांग्रेस का यह वार्षिक अधिवेशन जो है आपको सूरत में आयोजित हो रहा था कहां हो रहा था सूरत में और क्या हो रहा है बतिया रही है चप्पल खोल के मारेंगे हम चलिए आगे आइए आगे आइए समझिएगा देखिए आप सब लोग जानते हैं वर्ष 1905 में वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन हुए स्वदेशी आंदोलन किस तौर तरीका से चलेगा यह निर्धारित करता था कांग्रेस का अध्यक्ष और 1907 जाते जाते स्वदेशी आंदोलन में काफी शिथिलता आ गई थी तो कांग्रेस के जो गरम दल के नेता थे वह यह चाह रहे थे कि 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता गरम दल वाले गरम दल वाले करे ताकि वो स्वदेशी आंदोलन के तौर तरीका को निर्धारित कर सके लेकिन कांग्रेस के नरम दल वाले चाह रहे थे कि ना वो करे तो कांग्रेस में अध्यक्ष बनने को लेकर जो है पहली बार कांग्रेस में फूट पड़ी थी 1907 के सूरत अधिवेशन में और इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंत कांग्रेस के नरम दल या उदारवादी दल के नेता रास बिहारी घोष के द्वारा जो है आपको किया गया था और कांग्रेस गरम दल नरम दल में पूर्वक दो भागों में इसी में बट गया था और फिर कांग्रेस में दूसरी बार विभाजन अगस्त घोषणा 1917 को लेकर 1918 के मुंबई के विशेष अधिवेशन में हुआ 1918 के मुंबई के विशेष अधिवेशन में हुआ जिस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था हसन इमाम और सामान्य तौर पर कांग्रेस का एकमात्र वार्षिक अधिवेशन हुआ करता था लेकिन पहली बार कांग्रेस का विशेष अधिवेशन 1918 में मुंबई में आयोजित किया गया था और उसी अधिवेशन में कांग्रेस में दूसरी बार फूट पड़ी थी कांग्रेस में दूसरी बार फूट पड़ी थी तो पहली बार का पूछ रहा आंसर हो जाएगा सूरत अधिवेशन है आपको बिहार के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित करें गोपालगंज सिवान बक्सर रोहतास देखिए बिहार का मानचित्र तो यहां पे लगाया नहीं होगा इतना दिमाग रहता तो यहां ही रह यही रहता इसका आंसर होगा गोपालगंज सिबान बक्सर रोहतास सबसे उत्तर में ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप जाएंगे तो गोपालगंज फिर सिबान फिर बक्सर और फिर रोहतास एक दो तीन और चार आंसर बी होगा बी होगा बी होगा बी आगे विषम चुने इसमें अलग कौन है नाई दर्जी लोहार बढ़ई देखिए नाई जो है ना इंसान से डायरेक्ट कनेक्टेड है यानी आपको बाल कटाना है नाई के पास आप जाइएगा समझ गए यानी आपके शरीर को स्पर्श करता है एक प्रकार से कहिए तो वही सब जो है जो वस्तु बनाता है उस वस्तु का मानव उपयोग करता है चाहे दर्जी लोहार या बढ़ई हो तो इस आधार पे नाई ठीक है लकड़ी से फर्नीचर बनता है तो गेहूं से रोटी पच्चीस बी आई तो बड़ी बदनाम क्वेश्चन है समझती जितना मुन्नी बदनाम नहीं हुई उतना ही क्वेश्चन बदनाम है। पता है नहीं इस क्वेश्चन को बोर्ड इस क्वेश्चन से का लेना देना है बोर्ड को आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद नहीं होता है पिछले दिनों टेस्ट में तो ये भी ना क्वेश्चन दिए पिछले वीक में क्वेश्चन दिए हुए थे तो आपातकाल के दौरान देखिए आपको आपातकाल संबंधी प्रावधान की चर्चा भाग 18 में अनुच्छेद से तीन के बीच में है आपातकाल को जो मजबूती प्रदान की गई है वह चौवालीसवा संविधान संशोधन उन्नीस के तहत और चौवालीसवां संविधान संशोधन उन्नीस के तहत आपातकाल को जो मजबूती प्रदान की गई है उसी क्रम में चौवालीसवां संविधान संशोधन उन्नीस में ही यह प्रावधान किया गया था कि आपातकाल के दौरान भी दो मौलिक अधिकार निलंबित नहीं हो सकते हैं अर्थात दो मौलिक अधिकार निष्क्रिय नहीं हो सकते हैं वो दो मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 तो आंसर हो जाएगा सी नेक्स्ट कोलकाता का सहयोगी बंदरगाह है देखिए आपको जब भी हम परिवहन पढ़ाते हैं तो वहां पर बहुत सारी बातों का जिक्र करते हैं लेकिन उसमें दो बात का जिक्र हम आपको निश्चित तौर पर करते हैं एक यह बतलाते हैं कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए मुंबई बंदरगाह के दक्षिणी भाग में दहाबा शोभा या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का निर्माण किया गया है उसी प्रकार से भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाहों में प्रमुख बंदरगाह कोलकाता बंदरगाह कोलकाता बंदरगाह के भार को कम करने के लिए जो है हल्दिया बंदरगाह का निर्माण आपको किया गया है और कोलकाता बंदरगाह और हल्दिया दोनों बंदरगाह की अगर हम लोग बात करें तो दोनों के दोनों बंदरगाह जो है आपको पश्चिम बंगाल राज्य में है तो कोलकाता का सहयोगी बंदरगाह है आपको हल्दिया वही विशाखापटनम आंध्र प्रदेश में है देश का सबसे गहरा बंदरगाह है पारादीप ओडिशा में है कोची केरल में है नेक्स्ट समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है अनुच्छेद 44 अनुच्छेद 44 के अंतर्गत समान नागरिक संहिता का प्रावधान है करंट का यह क्वेश्चन है चौदहवा अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता 22 जनवरी 2024 को कहा आयोजित हुआ था यह हुआ था विशाखापत्नम में हुआ था विशाखापतनम में कपूल कपुल विशाखापतनम पूगा घाटी किस लिए प्रसिद्ध है देखिए ध्यान दीजिएगा पिछले बार दिया था एक बार क्वेश्चन आया है कि भूतापीय ऊर्जा केंद्र पुगा घाटी कहां है तो उस बार जो पूछा था जगह पूछा था तो लद्दाख में था इस बार पूछा है पूगा घाटी किस लिए प्रसिद्ध है जो सैटरडे फ्राइडे सैटरडे को दिए थे उसमें इस बात का जिक्र किए हैं पहला पेज में ही होगा हैंड रिटेन जो होगा समझ गए तो पूगा घाटी जो है आपको भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है और देखिए फंसाने के लिए विद्यार्थी को जो है तापीय ऊर्जा भूतापीय ऊर्जा सौर ऊर्जा आणविक ऊर्जा मेन विद्यार्थी ए और बी में फंस सकता था आंसर हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा इसमें भी विद्यार्थी 100 परसेंट फंसा होगा समझ गए यही सब क्वेश्चन जो है रिजल्ट और मेरिट को डिसाइड करने वाला है समझे तो लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो गौर कीजिएगा यहां पर क्वेश्चन का की समझिएगा आप लोकसभा के बैठक को सुगम कौन बनाएगा क्वेश्चन का कीवर्ड यही है कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों उपस्थित हो तो लोकसभा के बैठक को सुगम कौन बनाएगा मतलब लोकसभा की अध्यक्षता उस सिचुएशन में कौन करेगा यहां पर विद्यार्थी पर विद्यार्थी सामान्य तौर सोचा होगा कि संयुक्त अधिवेशन को लेकर प्रावधान है लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष ना हो तो राज्यसभा का उपसभापति करेगा और बहुत सारा विद्यार्थी मारा होगा लेकिन जो अच्छे से प्रश्न को पढ़ा होगा वो नहीं मारा होगा तो इसमें गलती विद्यार्थी किया होगा आपको अब आइए समझिएगा यहां पर संयुक्त अधिवेशन के विषय में बात नहीं है कि आप राज्यसभा के उपसभापति के पास जाएंगे उपसभापति उत्तर होगा नहीं लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष देखिए ध्यान दीजिएगा लोकसभा की अगर आप बात करेंगे ना तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद तिरानवे कहता है लोकसभा का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा लोकसभा में एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष होते हैं अगर अध्यक्ष है तो अध्यक्ष अध्यक्षता करते हैं अगर वो नहीं है तो उपाध्यक्ष करते हैं अगर दोनों में से कोई नहीं है तो इस में जो कि लोकसभा, लोकसभा के वरिष्ठम सदस्य होते हैं जो कि लोकसभा के वरिष्ठम सदस्य होते हैं तो अगर अध्यक्ष उपाध्यक्ष ना हो तो लोकसभा की अध्यक्षता करने के लिए जो सदस्यों का पैनल होता है उन छह सदस्यों को के पैनल में से जो भी वरिष्ठम होते हैं या जो भी उपस्थित होते हैं वही करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा अध्यक्ष पैनल द्वारा जबकि बहुत विद्यार्थी मार के आया होगा बी यही प्रश्न है समझे एकदम हंड्रेड परसेंट यही क्वेश्चन है यही ऑप्शन है जो हम बी में दिए वो परीक्षा में भी बी में ही है जो हम सी में दिए वो सी में ही है समझे आंसर डी इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी के पास सौ क्वेश्चन नहीं हो सकता हमारे अलावा और ऑप्शन के साथ लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि किसके द्वारा घोषित किया जाता है यहां पर ये भी अच्छा क्वेश्चन है समझ गया ये भी अच्छा क्वेश्चन है सामान्य तौर पर देखिए विद्यार्थी के दिमाग में ही होता है कोई चुनाव है चुनाव की तिथि चुनाव आयोग घोषित करेगा और देखिए ऑप्शन में दे दिया है चुनाव आयोग समझ गए तो विद्यार्थी इस प्रश्न में भी गलती करके आएगा तो पॉलिटी में क्वेश्चन थोड़ा कंसेप्चुअल दिया है समझ गए तो लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि चुनाव आयोग घोषित नहीं करता है बल्कि करते हैं राष्ट्रपति कौन करते हैं राष्ट्रपति राष्ट्रपति कोयला भंडारण में प्रथम राज्य कौन है देखिए गौर कीजिएगा कोयला भंडारण कोयला भंडारण में पूछ रहा भंडारण भंडारण में प्रथम राज है झारखंड कौन है झारखंड उत्पादन की बात नहीं कर रहा है भंडारण की बात कर रहा है तो भंडारण में प्रथम राज कौन है झारखंड झारखंड और अगर उत्पादन होता उत्पादन में हो जाता छत्तीसगढ़ पिछले दिनों कहीं पर मेंस के ही बेच में हमको लगता है ये चीज करवाए थे वहां पर भी हम जोड़ दिए थे विद्यार्थी हमारा बातें नहीं ना मानता है हम जहां पे जोर दे दे समझ जाइए क्वेश्चन आएगा नहीं आने का सवाल है ना सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा गया था सब लोग जानते हैं रूसो के द्वारा किसके द्वारा रूसो कौन सा स्थान पूर्वी तट पर स्थित है कोल्लम तुतिकोरिन एर्नाकुलम कोचिन ये सब बंदरगाह नगर है समझ गए और इन बंदरगाह नगरों में आपको कोल्लम केरल में है और केरल पश्चिमी तट पर है एर्नाकुलम केरल में है और केरल पश्चिमी तट पर है कोचिन केरल में है यह भी पश्चिमी तट पर है वही तमिलनाडु में तूती, है और तूती तट पर है अर्थात आंसर क्या हो जाएगा आपको बी बिरानवेवा संविधान संशोधन 2003 द्वारा आठवीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी देखिए ध्यान दीजिएगा आपको जो है मूल संविधान में चौदह भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था इक्कीसवां संविधान संशोधन उन्नीस के तहत सिंधी को राजभाषा का दर्जा दिया गया इकहत्तरवां के तहत नेपाली मणिपुरी कोकनी को राजभाषा का दर्जा दिया गया और बिरानवेवां संविधान संशोधन 2003 के तहत बोडो डोगरी मैथिली और संथाली को राजभाषा का दर्जा दिया गया तो बिरानवा के तहत दिया गया है संथाली को समझ गए वहीं सिंधी को इक्कीसवां और मणिपुरी कोकनी इकहत्तरवा आंसर डी योजना आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ है? योजना आयोग 1950 ईस्वी में 15 मार्च को स्थापित हुआ था 1950 ईस्वी में 15 मार्च को स्थापित हुआ था सही सुमेलित करें भारत का संघ इसमें भारतीय संघ से संबंधित पदाधिकारी प्रधानमंत्री राज्य से संबंधित राज्यपाल नगर निगम महापौर नगर निगम में महापौर होता है और सरपंच का संबंध है ग्राम पंचायत ए बी डी सी यानी आंसर क्या हो जाएगा ए नेक्स्ट समानांतर श्रेणी में क्या होगा सेवेंटी वन जी आई टैग किस संस्था द्वारा दिया जाता है जी की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड के के का शासक कौन, कौन था मतलब मुगल बादशाह कौन था देखिए आप सब लोग इस बात से अवगत है बक्सर का युद्ध बक्सर के युद्ध की अगर आप बात करेंगे तो जो बक्सर का युद्ध है यह 22 अक्टूबर सत्रह को हुआ है और यह युद्ध जो है आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत की संयुक्त सेना के बीच हुआ है भारत की संयुक्त सेना के बीच हुआ है इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से हेक्टर मुंडो ने भाग लिया था और भारत की संयुक्त सेना के तरफ से आपको भाग लिया था अवध के नवाब दौला हो गए बंगाल के अपदस्त नवाब मीर कासिम हो गए मीर कासिम हो गए और फिर जो है मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय हो गए मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय हो गए शाह आलम द्वितीय हो गए और इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई ब्रिट और भारत की संयुक्त सेना की हार हुई और इस समय अगर बंगाल के नवाब की बात करें तो बंगाल के नवाब थे मीर जाफिर मीर जाफर और दिल्ली के शासक अर्थात तो मुगल बादशाह की बात करें तो मुगल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय तो इसमें शाह आलम द्वितीय ऑप्शन में देना चाहिए लेकिन बोर्ड जो है शाह आलम ही दिया था इसी वजह से हम भी शाह आलम ही दिए हैं तो शाह आलम ही होगा यहां पर जबकि बोर्ड को देना चाहिए था शाह आलम द्वितीय तो देखिए बोर्ड भी टाइपिंग मिस्टेक करता है हमसे एक आधग गो हो जाता है तो इतना हल्ला करते रहते हैं आप लोग समझे देखिए बोर्ड का क्वेश्चन है समझे शाह आलम होगा नेक्स्ट अध्यक्षात्मक सरकार की विशेषता क्या है अध्यक्ष अध्यक्षात्मक सरकार की विशेषता यह है कि यहां पर जो है आपको स्वतंत्र कार्यपालिका होती है स्वतंत्र कार्यपालिका होती है रीजनिंग है डी चौवालीस इसका उत्तर होगा ए बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट में होती है बहुत कम गतिज ऊर्जा बहुत कम गतिज ऊर्जा ये भी रीजनिंग है आप लोग भी बना लिए बाहर बहादुर सब आप लोग तो तेज आदमी हैं जी मुंगेर जिला से किस जिले की स्थलीय सीमा नहीं लगती है मधेपुरा नहीं लगता मुंगेर से मधेपुरा नहीं लगता नहीं लगता है हाँ मधेपुरा पूर्वी पश्चिमी गलियारा सिलचर को किससे जोड़ता है देखिए पूर्वी पश्चिमी गलियारा असम के सिलचर को गुजरात के पोरबंदर से जोड़ता है और यह जो पूर्वी पश्चिमी गलियारा है इसी को कहते हैं एनएच ट्वेंटी सेवन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या सत्ताइस तो सिलचर को गुजरात के पोरबंदर से जोड़ता है और वही उत्तरी दक्षिणी गलियारा है उत्तरी दक्षिणी गलियारा जोड़ता है आपको श्रीनगर को कन्या कुमारी से और वो जो एनएच है वो एनएच है एनएच फोर्टी फोर। और वह देश का सबसे लंबा एनएच है एनएच फोर्टी फोर देश का सबसे लंबा एनएच है हाल ही में मरनो उपरांत भारत रत्न सम्मान किसे दिया गया हाल के विषय में बात कर रहा है तो हाल के दिनों में जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने पांच लोगों को भारत रत्न देने की घोषणा किया है ना जी सबसे पहले कर्पूरीय कर्पूरी ठाकुर कर्पूरी को ही घोषणा की का ही घोषणा किए थे मृत्यु उपरांत उन्हें ही हाल में बिहार के संदर्भ में जो है आपको भारत रत्न दिया गया आंसर हो जाएगा कर्पूरी ठाकुर फिर जो है आपको कृष्ण आडवाणी हो गए फिर जो है आपको पीबी नरसिम्हा रा हो गए पीबी नरसिम्हा राय हो गए और फिर जो है आपको चौधरी चरण सिंह हो गए और एम एस स्वामीनाथन इन्हीं लोगों को दिया गया है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो कर्पूरी ठाकुर कोयना बांध किस राज्य में स्थित है कोयना बांध है महाराष्ट्र राज्य में कोयना नदी के तट पर है और देखिए जब भी हम आपको भूगोल पढ़ाते हैं बहुउद्देशीय परियोजना पढ़ाते हैं तो वहां पर इस बात का जिक्र हम करते हैं जो बांध जिस नदी पर है नदी के संदर्भ में नहीं पूछेगा कौन राज्य में है उस संदर्भ में पूछेगा तो जो है महाराष्ट्र राज्य में है कोयना नदी पर नेक्स्ट अनुच्छेद का संबंध किससे है आप सब लोग जानते हैं अनुच्छेद इक्कीस का संबंध है प्राण एवं देहिक स्वतंत्रता के अधिकार से शिक्षा के अधिकार से अनुच्छेद इक्कीस का क संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद का बत्तीस और धार्मिक कार्यों का प्रबंधन छब्बीस और आपको संवैधानिक उपचारों के अधिकार की अगर हम लोग बात करें तो इस अधिकार को ही डॉ भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा एवं हृदय कहा है पहाड़ों पर जल उबलता है पहाड़ों पर जल उबलता है समुद्र के तल से कम ताप पर आंसर ए होगा नेक्स्ट आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष किसे कहा जाता है आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष कहा जाता है राजा राम मोहन डाय राम मोहन डाय को कहा जाता है क्योंकि आधुनिक काल में भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन शुरू करने का काम जो है राजा राम मोहन डाय ने किया है यही वजह है कि आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष कहा जाता है राजा राम मोहन डाय पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल सिद्धांत क्या है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल सिद्धांत है प्रतिस्पर्धा 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 नेक्स्ट डीएनए प्रतिबंधन में डीएनए खंडों को जोड़ने हेतु किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है तो इसमें किया जाता है लाइगेजेज, लाइगेजेज, लाइगेजेज। आगे आगे है डिमेटीरियस किसके समकालीन थे देखिए ध्यान दीजिएगा डिमेटेरियस के विषय में पूछा जा रहा है समझिएगा आप चीजों को थोड़ा सा डायमेकस के विषय में नहीं पूछा जा रहा है, डिमेटीरियस के विषय में आपसे पूछा जा रहा है डायमेकस अलग है डायमेकस जिसका संबंध है आपको बिंदुसार से यहां पर पूछा जा रहा है डिमीटीरियस देखिए ध्यान दीजिएगा जब आपको जब आपको मोरियो के शासन के अंतिम दौर चल रहा था उस क्रम में भारत के ऊपर हिंद यवन शासकों ने आक्रमण किया हिंद यमन शासक भारत पर आक्रमण किया और हिंद यवन शासक भारत के कुछ भाग को जीत करके दो भागों में शासन करने का काम किया एक यूक्रेटाइडिज कुल और दूसरा डेमिटीरियस कुल एक यूक्रेटाइडिज कुल और दूसरा डेमिटीरियस कुल जिसमें डेमिटीरियस कुल के प्रथम शासक हुए आपको डेमिटीरियस डेमिटीरियस प्रथम तो डेमिटीरियस है इसको मान के चलना है डेमिटीरियस प्रथम डेमिटीरियस प्रथम की अगर हम लोग बात करें तो इनका जो कालखंड है अलग अलग स्रोत में इनके कालखंड को लेकर के अलग अलग चीजों का जिक्र है लेकिन मूल तौर पर इनका कालखंड जो है 200 सौ ईस्वी के आसपास 200 सौ ईस्वी के आसपास देखने को मिलता है और इन शासकों में ये सभी के सभी शासकों में इन शासकों की अगर हम लोग बात करें तो ये सभी मौर्य वंश के शासक है और मौर्य वंश के शासकों में दो सौ ईस्वी के आसपास अगर किसी का काल है कालखंड है तो वह है आपको सालू सिका साल साली सुका। तो आंसर जो है आपको यही होगा सी ही होगा सही उत्तर है कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है आगे यह भी अच्छा क्वेश्चन है राज्यपाल किसके लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है यानी किन किन चीजों को लेकर के राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है मंत्रिपरिषद को भंग करने को लेकर देखिए ध्यान दीजिएगा जब जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गौर कीजिएगा इस बात पर कंडीशन है यहां पर जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो उस में मंत्रिपरिषद को भंग करने हेतु राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है यह बात सही है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने हेतु नहीं इसमें नहीं कर सकता विधानसभा भंग करने तो आ, इसमें भी कंडीशन है। जब राज में राष्ट्रपति शासन लागू हो, उस सिचुएशन में राज्यपाल राष्ट्रपति को विधानसभा भंग करने हेतु सिफारिश कर सकता है तो ये दोनों कंडीशन समझ गए ये कंडीशन और ये कंडीशन और साथ ही साथ राज्य में संवैधानिक तंत्र ठप हो मतलब संवैधानिक तौर तरीका से राज्य में शासन प्रशासन नहीं चलाए जा रहा तब पर भी ये तीनों कंडीशन विशेष तौर पर अनुच्छेद तीन के संदर्भ में लागू होता है अनुच्छेद तीन सौ छप्पन में है राष्ट्रपति शासन यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो अर्थात अनुच्छेद तीन सौ छप्पन लागू हो तो उस सिचुएशन में उस पार्टिकुलर सिचुएशन में जो है मंत्रिपरिषद को भंग करने विधानसभा भंग करने राज्य में संवैधानिक तम होने पर इन तीनों को लेकर के राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है अर्थात आंसर हो जाएगा एक तीन और चार नेक्स्ट दिलबारा का जैन मंदिर किस पर्वत पर है दिलवारा का जैन मंदिर है माउंट आबू पर्वत पर राजस्थान में ना है जी हाँ मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न प्राप्त खिलाड़ी चिराग चंद्रशेखर सेट्टी किस खेल से संबंधित है इसका संबंध है बैडमिंटन से बैडमिंटन से नेक्स्ट त्वरित कार्य बल आर किस अर्धसैनिक बल का भाग है सीआरपीएफ का भाग है समाजवादी विचार किसे स्वीकार नहीं करता है समाजवादी विचार निजी संपत्ति को स्वीकार नहीं करता है निजी संपत्ति अपनी जाति में विवाह करना क्या कहलाता है अंतर विवाह बी बी होगा सही है विषम चूने पैर टखना सिर पेट हाथ कलाई बांह कंधा क्या होगा सिरपेट होगा हाँ यही होगा तिरसठ भी चौसठ भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है <laughs> भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहलाती है बेंगलुरु देखिए ध्यान दीजिएगा भारत की राजनीतिक राजधानी दिल्ली भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई और भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी बेंगलुरु मुगल काल में पूरे राज्य का वित्त व्यवस्था कौन अधिकारी देखता है देखिए दीवान देखता है दीवान देखता है और प्रांतीय दीवान भी कह सकते हैं हम लोग बाद नहीं होगा आंसर ये होगा एकदम कंफर्म रहिए होगा इसमें कुछ लोग अमल गुजार की भी बात करता राजस्व अधिकारी की भी बात करता एकदम दीवान होगा दीवान दीवान साइंस है इसका उत्तर होगा 66 का डी दाब उत्प्रेरक और निम्न ताप कौन सा कथन असत्य है मतलब कौन सा कथन गलत है सी मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों के रासायनिक संयोजन से बनता है सेडल पीक किस द्वीप पर अवस्थित है सेडल पीक की अगर हम लोग बात करें तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है इसकी ऊंचाई 738 मीटर है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पांच द्वीप है जिसमें आपको एक उत्तरी अंडमान द्वीप है उत्तरी अंडमान द्वीप पर ही है आपको सेडल पीक जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है बेहतरीक है झूठे समान लगा दिया जहां जो लगाना चाहिए वो लगाएगा ना लेंगरहेंस द्वीप किस अंग का भाग है अग्नाशय का भाग है किसका भाग है अग्नाशय थल सेना अस्थल नौसेना नौसेना जल न जल होगा रीजनिंग आसान है जी कुछ दमेन है न आगे आइए इकहत्तर मिथाइल ऑरेंज के संदर्भ में सत्य है अम्ल में लाल क्षारक में पीला आंसर ए बहत्तर लोकसभा में विपक्षी नेता का दर्जा प्राप्त करने हेतु तो कितने सीटें आवश्यक है लोकसभा की कुल सीट का दस प्रतिशत या एक बटे दस भाग या दसवा हिस्सा लोकसभा की कुल सीट का दस प्रतिशत एक बटे दस भाग या दसवा हिस्सा सब बात बराबर है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश होते हैं पंद्रह पंद्रह न्यायालय किस मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है चुनावी क्षेत्र का परिसीमन इसमें नहीं करता है न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करता है पंचायतों में सीटों का आवंटन इसमें भी नहीं करता है। एक और दो दोनों होगा आंसर सी 1946 के शाही नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किसने किया किया था MS खाने। MS खाने किया था एम एम एस एस खान खान ने ने यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एस आई का रिपीटेड है इससे पहले भी एक बार दिया है और फिर रिपीट किया है यहां पर भी विद्यार्थी गलती क्या होगा कुछ विद्यार्थी बीसी दत्त मारा होगा जो कि गलत है एम एस खान होगा भारत ने फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के साथ कौन सा युद्ध अभ्यास आयोजित किया है आपको डेजर्ट नाइट डेजर्ट नाइट एल एल एम को, को रोवर ए आई कंपनी ने किस नाम से विकसित किया है भारत जीपीटी भारत जीपीटी ब्लड प्रेशर को व्यक्त किया जाता है ब्लड प्रेशर को सिस्टोलिक और डेस्टोलिक में व्यक्त किया जाता है आंसर क्या हो जाएगा ए दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन है दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि है अग्नाशय कौन है अग्नाशय। मुक्त रूप से गिरती हुई पिंड की ऊर्जा है स्थिर रहती है क्या रहती है स्थिर मानचित्र पर किसी समतल आकृति की सीमा रेखा का पता लगाकर उसका क्षेत्रफल मापने वाला उपकरण कौन है प्लेनीमीटर प्लेनीमीटर। नेक्स्ट रीजनिंग है ए, ए होगा इसका होगा ए, ए ही होगा। चौरासी इसका होगा सी सी चौरासी सी पचासी पचासी होगा बी आठ वर्ष छियासी छियासी होगा ए बारह सतासी सतासी होगा सी एक सौ मीटर सी एक सौ मीटर अट्ठासी अट्ठासी होगा दामाद दामाद नवासी चार हजार नवासी चार हजार नब्बे एक सौ तेरासी नब्बे का ए एक सौ तेरासी एक का सी सी बेरानवे बे, कौन द्वितीयक समूह का है इसमें जो है आपको अस्पताल द्वितीयक समूह का है यही सोशियोलॉजी का क्वेश्चन है एक और था पहल, एक और था सोशियोलॉजी का क्वेश्चन ये सोशियोलॉजी का क्वेश्चन है श्रेणी क्रम को पूरा करें सत्ताइस ट्वेंटी सेवन चौरानबे ए पंचानबे पीर पंजाल किसके अंतर्गत आता जम्मू कश्मीर में है पंचानवे ए छियानबे सी छियानबे सी संतानबे ए जे क्यू अंठानबे एन सी ए नवे ए आई के एम एक सौ ए संगम साहित्य में मुवेंदार में कौन तीन राज का वर्णन है सुनिए एक मिनट रुकिए, संगम काल में जो है तीन राजवंश है ना जी चेर चोल और पांड उन तीनों राज्यों के प्रमुखों के लिए एक शब्द आता था क्या आपको मुवेंदार मुवेंदार शब्द आता था तो इस प्रकार से कल यानी 25 फरवरी को बिहार एसआई SI मेंस के हुए 100 के 100 प्रश्न हम आपके साथ डिस्कस किए हैं अब जो है आप जो भी लोग मेंस का परीक्षा दिए हैं वो सभी लोग इस आंसर से चेक करके एक्यूरेसी 100 परसेंट है एक भी आंसर गलत नहीं है इस आंसर से चेक करके जो है आप संस्थान के व्हाट्सएप नंबर पर अपना मार्क ईमानदारी से ईमानदारी से ऑनेस्टी से मतलब ये नहीं कि कुछ भी फेंक दिए नब्बे पंचानबे निन्यानबे एक सौ में एक सौ ऐसा काम नहीं करना है जैसे हम ईमानदारी से सौ क्वेश्चन लेकर के चार ऑप्शन के साथ आए वैसे ही आप ईमानदारी से जो है संस्थान के इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना नाम कैटेगरी और आप कितना क्वेश्चन सही किए हैं नाम नाम के साथ साथ जो है कैटेगरी और कैटेगरी के साथ साथ जो है कितना क्वेश्चन सही किए हैं यह आप भेजिए और इस डाटा के आधार पर जितना अधिक से अधिक लोग भेजेंगे ओरिजिनल सही में इस डाटा के आधार पर कल शाम या कल रात तक जो है आपको कटअप दे देंगे कल रात तक और फिर परसों से फिजिकल की तैयारी करवाया जाएगा और संस्थान में पढ़ने वाले सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए जो है आपको फिजिकल निशुल्क करवाया जाएगा संस्थान के अंतर्गत काम करने वाले जो ट्रेनर है उनके थ्रू करवाया जाएगा ऐसा नहीं है कि उनको पैसा नहीं दिया जाएगा उनको पैसा दिया जाएगा उनको संस्थान पैसा पेड करेगा छात्रों के लिए निःशुल्क होगा छात्र जो है पैसा घर से मंगा करके खाएंगे पिएंगे और दौड़ेंगे पिएंगे मतलब शराब नहीं पिएंगे दूध पिएंगे समझ गए तो यह चीज है और जो है आपको एक मार्च से आ, बिहार एसआई 2024 में जो वैकेंसी आने जा रहा है उसको लेकर के एक मार्च से बैच आ रहा है जिसमें प्रीलिम्स कम मेंस कम फिजिकल तीनों का तैयारी जो है एक साथ आपको करवाया जाएगा और एक बार फी लिया जाएगा और उसी फी में प्रीलिम्स मेंस और साथ ही साथ फिजिकल सब चीज़ का तैयारी हम आपको एक साथ करवाएंगे ठीक है फी जो है वो ऑफिस में पता कर लीजिएगा चलिए ठीक है आशा करते हैं सभी लोग जो है अपना अपना करेंगे धन्यवाद सभी लोगों का मिलते हैं अगले क्लास में आए कल नहीं है टेस्ट परसों है डेली टेस्ट कब है परसों बिट्टू सर नहीं आए अभी भी नहीं आए हैं परसों है अगला टेस्ट अगला डेली टेस्ट परसों है धन्यवाद सभी लोगों का लड़की लोग इधर से निकलिए और दरोगा बनना है तो ई तो लुसेंट की भांति किताब तो पढ़ना ही होगा बिना इसको पढ़े दरोगा बनिए नहीं सकते हैं समझ गए क्वेश्चन तो बैंक है इसको आप जरूर पढ़िए इसका अगला एडिशन बहुत जल्दी आ रहा है अभी तक कितना परीक्षा हुआ है उन सभी परीक्षाओं के प्रश्न को बिहार एस के परीक्षाओं के प्रश्न को इसमें शामिल करते हुए जो है इसका नया एडिशन बहुत जल्दी आ रहा है मार्च में आ जाएगा होली के आसपास आ जाएगा इस बुक को आप जरूर करें अगर सपना है दरोगा बनना तो बिना इसका पूरा नहीं हो सकता है जैसे जनरल कॉम्पिटिशन में परीक्षा पास करना है बिना लुसेंट का नहीं हो सकता है वैसे दरोगा बनना है तो बिना इसका नहीं हो सकता है तो इसको लेकर के आप जरूर से जरूर करें धन्यवाद सभी लोगों का मिलते हैं अगले क्लास में फाउंडेशन क्या होता है टारगेट क्या होता है क्या बोल रहे हैं अरे वही सब चीज है जो टारगेट भेद सब में कोई अंतर नहीं रहता है अंतर यही है फाउंडेशन में कि फाउंडेशन में लिखाते हैं टारगेट में लिखाते है नहीं है और कोई अंतर थोड़े है और कोई अंतर नहीं ठीक है दोनों में से जो करना है वो बैच कीजिए सब बैच करना जरूरी ना है कोई भी एक